एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हो गई थी। आज जो मेरी बहन अवनी ने खुशखबरी सुनाई थी, मैंने भगवान की तरफ आस भरी निगाहों से देखा था और इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि जिस तरह की मेरी हरकत थी, मेरे साथ ये सब तो होना ही था, क्योंकि मैंने कभी भी किसी की इज्जत नहीं की थी और ना ही मान सम्मान किया था। मैं हमेशा अपने घमंड में रहती थी और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो मैं उसकी 100 गलतियाँ निकाल देती थी, लेकिन कभी अपने आप को सही करने का नहीं सोचा। और आज उन्हीं की वजह से मैं इस जगह पर खड़ी थी जिसे एक अच्छी औरत कभी भी स्वीकार नहीं करेगी और ना ही वह कभी अपने पति को दूसरों से बांटेगी। मेरी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। मैं 14 साल की थी जब मुझे पहली बार कोई पसंद आया था। वह मेरी क्लास में ही पढ़ता था। मुझे पता ही नहीं चला कब वह मुझे अच्छा लगने लगा, मगर वह मुझसे बात भी नहीं करता था। उसके बाद तो जैसे मैंने ज़िंदगी में हर तरह से उसे अपना बनाने के लिए हर दाव पेच खेलना शुरू कर दिया, जबकि 14 साल की उम्र में तो मोहब्बत के मतलब भी मालूम नहीं होता। मगर मैं बेवकूफ़ थी जो अपनी ज़िंदगी से खेलने लगी, और इसका जो मुझे नतीजा भुगतना पड़ा वह तो बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं था। मेरा नाम अनन्या है। मेरा संबंध एक गरीब घर से था। हम एक छोटे से शहर में रहते थे। हमारा घर भी सिर्फ 2 कमरों का था, जिसकी छत और टीन की दीवारें कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी। बारिशों के दिनों में छत टपकने का खतरा सर पर किसी तलवार की तरह लटकता रहता था। मम्मी ने कितनी बार पापा से कहा, कुछ पैसे जमा करके घर की छत पक्की करवा लो, लेकिन पापा हमेशा एक ही जवाब देते कि तुम सबका पेट पालूँ या पैसे जोड़ूँ। महंगाई के ज़माने में 2 वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। तुम पैसे जोड़ने की बात करती हो, बस फिर इसी बात पर मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती थी। और ये लड़ाई कोई नई बात नहीं थी, हम बचपन से यही सब अपने घर में होते देख रहे थे। मेरे पापा कबाड़ी का काम करते थे। वह तो कृपा थी, रेड़ी अपनी थी, वरना उसका भी किराया देना पड़ता तो घर में रोटी भी 2 टाइम का ना पकता। पापा सुबह सुबह रेड़ी लेकर निकल जाते, गली गली जाकर कबाड़ी इकट्ठा करते थे, फिर कबाड़ी के गोदाम पर ले जाकर बेच देते थे। जो पैसे बनते थे शाम को घर लेकर लौटते, थोड़ा बहुत कमा कर लाते थे, उसी से घर का खर्चा चल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम छोटे छोटे थे, उस वक्त हमारे घर में बिजली भी नहीं थी। मम्मी शाम ढलते ही लालटेन जला दिया करती थी। घर में 3 लालटेन थी, एक कमरे में, एक बरामदे में और एक आंगन में जलाया करती थी। घर में हम सिर्फ 4 लोग ही रहते थे, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन जिसका नाम अवनी था। मम्मी पापा ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। साफ शब्दों में कहूँ तो ये हकीकत थी कि मम्मी पापा ने घर से भागकर एक दूसरे को अपनाया था। वे दोनों एक गांव में एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनका घर भी आमने सामने था। शुरू से ही साथ खेलकर जवान हुए थे। एक दूसरे के घरों में आना जाना था। कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, मम्मी पापा को अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। जब बात बहुत आगे निकल गई तो मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का फैसला कर लिया, मगर दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि उनके माँ बाप इस रिश्ते के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। जबकि दोनों घरों में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, उठना बैठना था, लेकिन दोनों की बिरादरी अलग थी और उस ज़माने के लोग जात बिरादरी को बड़ी मान सम्मान देते थे। बस इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने ये शादी भागकर करने का फैसला किया और एक रात में सुबह के वक्त उस गाँव को छोड़कर शहर में आकर बस गए। गाँव छोड़ने से लेकर शहर आने तक और फिर शादी होने से किराए का घर लेने तक उनके एक दोस्त ने उनकी बड़ी मदद की थी। घर से निकलते हुए दोनों ने जितना हो सकता था उतना हाथ मारने की भरपूर कोशिश की थी, ताकि आगे चलकर कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। मेरी नानी ने मेरे मम्मी के लिए जितना शादी का जेवर बनाकर रखा था, जो कि अच्छा खासा महंगा था, इसी तरह पापा के घर वालों ने ज़मीन खरीदने के लिए कुछ रकम अलग से रखी हुई थी। पापा इस बात को जानते थे। दोनों के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। उन दोनों ने अपने अपने घर वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरी माँ ने वे जेवर चुरा लिया और पापा ने घर से निकलते हुए उस पैसे पर अपना हाथ साफ किया। और फिर शहर आने के बाद जब मेरी मम्मी पापा ने कोर्ट मैरिज कर ली तो जेवर बेचकर एक छोटा सा घर खरीद लिया। उस वक्त ये घर अच्छी कंडीशन में था, इसमें उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मेरे पापा का कोई काम नहीं लगता था, क्योंकि उनके हाथ में कोई ऐसा हुनर नहीं था जिसकी वजह से वह शहर में कुछ भी कमाने के लायक नहीं थे। फिर उन्होंने दोस्त के हेल्प से और अपने घर से लाए गए पैसों से छोटे मोटे कामों में लगाकर किस्मत आजमाने की कोशिश शुरू कर दी।
पहले पहल तो मेरे पापा ने छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोली, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उल्टा नुकसान ही उठाया। उसके बाद मेरे पापा ने पटरी पर कपड़े बेचना शुरू किया, उसमें भी मेरे पापा ने काफ़ी नुकसान उठाया। इसी तरह दो तीन काम किए मगर किसी काम में भी कोई मुनाफा नहीं मिल रहा था, उल्टा सारे पैसे खत्म हो गए। फिर घर से लाए हुए रकम का जो आखिरी हिस्सा बचा हुआ था उसी से पापा ने एक रेहड़ी खरीद ली। पहले उस रेहड़ी पर सब्जी और फल फ्रूट लगाकर बेचते थे, लेकिन फिर जब मेरी पैदाइश हुई तो खर्चा एकदम ज़्यादा होने की वजह से मंडी से फल ना उठा सके। इस तरह वह काम भी हाथ से निकल गया। फिर मेरे पापा ने कबाड़ी का काम शुरू कर दिया और इसी में सारी ज़िंदगी गुजार दी। मम्मी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में दोनों ही अपने अपने घरों में तंगी और परेशानी देखने के आदी नहीं थे। बचपन से लेकर जवानी तक ऐश में ज़िंदगी बिताई थी। जिस चीज़ पर हाथ रखा वही चीज़ मिल जाती थी। अच्छा खाते अच्छा पहनते थे, मगर शादी के बाद उनकी समस्याएं बढ़ती गई। वे दोनों बहुत बुरे हालत में हो गए और साथ ही आटे दाल के भाव ने उन दोनों की मोहब्बत को बेमोल कर दिया। मम्मी हमेशा अपने और अपने बच्चों के लिए पापा से खर्च मांगती तो पापा के पास पैसे नहीं होते थे। इस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता था। एक दिन तो मम्मी ने ये भी कह दिया कि क्या हमें भूखा मारने के लिए यहाँ लेकर आए थे। ये बात पापा के दिल पर लगी। उन्होंने बहुत मेहनत करने की कोशिश शुरू कर दी। अपनी जान पर खेलकर सर्दी गर्मी धूप छांव काम करते रहते थे। दिन देखा ना रात देखा, तबीयत भी खराब होती तब भी रेड़ी लेकर निकल जाते थे कि अगर वह एक दिन भी रेड़ी लेकर ना गए तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा और फिर बच्चों के 100 खर्चे भी बढ़ जाते हैं। मम्मी को शुरू से ही इस बात पर एतराज़ था कि जो घर पापा ने खरीदा है उसमें बिजली तक नहीं थी, ऊपर से उसकी छत कच्ची थी। मम्मी बहुत डरती थी कभी तेज़ बारिश और तूफान में छत गिर ही ना जाए, लेकिन पापा हमेशा ही मम्मी को तसल्ली दे देते थे। हमारा घर उस वक्त शहर से थोड़ा हटकर एक नए कॉलोनी में था, इसलिए जेवर बेचकर इतने पैसों में मिल गया था, वरना शहर में तो छोटा सा घर लेना भी कितना मुश्किल हो जाता है। जब पापा ने घर खरीदा था तो मम्मी से यही कहा था कि जल्दी बिजली भी लगवा दें, मगर अब तो मेरी पैदाइश को भी 1 साल बीत गए थे, घर में बिजली नहीं लगी थी। माँ ने आस पड़ोस में बिजली की एक तार लेने की बात की, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर मम्मी लालटेन जलाकर ही गुजारा करने लग गई थी। फिर मम्मी को मेरे लिए हर चीज़ चाहिए थी जो पापा लाकर नहीं दे सकते थे, बल्कि मेरे लिए जो पहले शॉपिंग मम्मी पापा ने साथ जाकर की थी वह भी बाजार की रेडियो से हल्के कपड़े खरीदे थे। मम्मी पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेरी मम्मी को पापा से बहुत ज़्यादा शिकायत थी, मगर अब पापा भी क्या कर सकते थे, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। वह मेहनत कर सकते थे जो वह कर रहे थे, उसके बावजूद उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जब मैं 3 साल की हुई तो मेरी छोटी बहन दुनिया में आ गई। मेरा रंग नैन नक्श भी अच्छे खासे थे, मगर मेरी बहन अवनी मेरे मुकाबले में बहुत ज़्यादा गोरी और खूबसूरत लगती थी। अगर हम दोनों बहनों को एक साथ बिठाकर देखा जाए, मेरा साफ रंग भी मेरी बहन अवनी के सामने फेल हो जाता था और मैं अवनी के सामने सांवली लगने लगती थी। अब अवनी की पैदाइश के बाद मम्मी को मेरे स्कूल जाने की फिक्र लग चुकी थी। माँ चाहती थी मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ। इस बारे में मेरी मम्मी गली के प्राइवेट स्कूलों में जाकर फीस वगैरह पता किया था, लेकिन कम से कम फीस वाले स्कूल भी माँ मेरा दाखिला ना करवा सकी। इस तरह की कई छोटी मोटी बातों पर मम्मी पापा के झगड़े होते रहते थे। जब भी वह लड़ते झगड़ते एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते थे, मैं उनकी तेज़ तेज़ आवाज़ों से डर जाया करती थी। मेरी बहन अवनी भी रोने लग जाती, उसे अपनी छोटी सी गोद में लिटाकर चुप करवाने की नाकाम कोशिश करती थी। मैं 4 साल की ही हो चुकी थी मगर अभी तक मेरा दाखिला किसी स्कूल में नहीं हुआ था। मम्मी की ज़िद थी वह मुझे प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला करवाएंगी, जबकि मेरे पापा चाहते थे मेरा दाखिला कोई भी सरकारी स्कूल में करवा दे। वहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे, वही पूरे इलाके में एक बड़ा सरकारी स्कूल था। जब माँ की ज़िद को 1-2 साल का वक्त बीत चुका था और मैं 4 साल की हो गई तो माँ ने घुटने टेक दिए, क्योंकि इस तरह मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाती। पापा ने मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया। सुबह के टाइम वही मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे और वापसी पर माँ लेने जाया करती थी। बड़ी मुश्किल से रो धोकर पापा ने मेरे लिए स्कूल के शूज खरीदे थे, क्योंकि ड्रेस तो सरकारी स्कूल में ही मिल गए थे। फिर जब मैं 3री क्लास में पहुँच गई उस वक्त तक वह जूते पहन कर जाती थी, जो कि मुझे अब छोटा हो चुका था। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं माँ के सामने आकर रोने लग जाती तो पापा से वह लड़ने बैठ जाती थी। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद अवनी भी मेरे साथ स्कूल जाने लग गई। मुझे याद नहीं
जब से मैंने होश संभाला था एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब माँ और पापा की लड़ाई ना हुई हो। धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि दोनों ही हम पर ध्यान देना छोड़ दिया। पापा अपने काम में बिजी रहते और माँ बेचारी पापा से लड़ झगड़ कर सारा दिन सर पर दुपट्टा बांध कर लेटी रहती। दिल करता तो उठकर खाना बना लेती, वरना घर के सारे काम यूं ही पड़े रहते थे। हम दोनों बहनें स्कूल से वापस आती तो भूख के मारे हमारा बुरा हाल हो जाता, मगर माँ हमें रोटी देने के बजाय बातें सुनाना शुरू कर देती थी, जबकि उसमें हम दोनों की क्या गलती थी। असल में गलती तो उनकी भी नहीं थी, लेकिन शायद जो धोखा उन्होंने अपने माँ बाप को दिया था अब उसी की सजा काट रहे थे। जब मैं 5वीं क्लास में पहुँच गई उस वक्त पहली बार माँ की शादी की हकीकत हम दोनों बहनों को मालूम हुई थी। अभी अवनी तो बहुत छोटी थी इसलिए ज़्यादा बातों को समझती नहीं थी, मगर मैंने अपने समझ के हिसाब से जिस चीज़ को अडॉप्ट किया था वह एक ऐसी सोच थी जिसने बाद में मुझे बर्बादी के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं उस वक्त 14 साल की थी जब माँ ने मुझे अपने और पापा के बारे में बताया था, क्योंकि मैं उनसे पूछती थी। हमसे कोई भी मिलने नहीं आता और ना ही हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जबकि मेरी सारी सहेलियाँ अपने दादी के घर में रहती थी और छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। सिर्फ एक मैं ही थी जो कभी भी नहीं गई थी। मैं माँ से अक्सर ये सवाल करती थी, फिर माँ ने एक दिन मुझे सारी बात बता दी। उसी दिन मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं भी माँ की तरह लव मैरिज ही करूँगी, मगर माँ की तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी बल्कि मैं मालकिन बनकर राज करूँगी। पता नहीं मेरी सोच ऐसी क्यों थी, मगर जब मैं जवान हुई तो इसी सोच पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है मैं 14 साल की थी। उस वक्त मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और ऐसा तब हुआ था जब माँ ने अपने और पापा के बारे में मुझे बताया था। लेकिन वह लड़का कभी भी ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरे साथ खेलता था। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता। मेरा दिल चाहता था कि वो मुझसे बात करे, मेरे साथ खेले, लेकिन वह तो बस हर वक्त पढ़ने में बिजी रहता था। जब हम नई क्लास में गए तो हम दोनों का स्कूल अलग अलग हो गया। मैंने 6वीं क्लास में कन्या विद्यालय में एडमिशन ले लिया और वह दोपहर के लड़कों के स्कूल में चला गया। इस तरह वह लड़का भी मेरे स्कूल से चला गया। कुछ साल के बाद मैंने अपनी पहली पसंद को भूल चुकी थी, मगर मेरी सोच अब पक्की होती जा रही थी। मैं जिस तरह के माहौल में बड़ी हो रही थी मेरे अंदर इच्छाएं और नाकामियां बहुत ज़्यादा थी। जब छोटी थी तो मेरा भी दिल चाहता था कि बाकी बच्चों की तरह मेरे पास भी अच्छे अच्छे खिलौने हों, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, और जब स्कूल गई मेरे पास सबसे ज़्यादा हल्की और बेकार चीज़ होती थी। बड़े होने के साथ साथ मुझे अपने आप पर और अपने रहन सहन पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मम्मी पापा की लड़ाइयों ने मेरे दिल और दिमाग पर ऐसे असर छोड़े थे, मेरे नज़दीक लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात बन गई थी। मैं स्कूल में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने लग गई। जिस दिन माँ मुझे मारती, अवनी को रुलाने की कोशिश करती थी, कभी उसे चुपके से थप्पड़ मार देती तो कभी उसके बाल नोच दिया करती थी, वह रोती तो मुझे खुशी महसूस होती थी। ऐसे स्कूल में बच्चों के साथ अजीब रवैया रखना शुरू कर दिया था। अगर कोई मुझे कुछ कहता या किसी बात को रोकता तो मैं उसकी कोई ना कोई चीज़ या तो गुम कर देती थी या तोड़ देती थी। माँ ने कभी भी हम दोनों के पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि पहले वह इस बात पर लड़ती थी कि वह हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाना चाहती थी, मगर उन्होंने तो कभी हमारा बैग खोलकर भी नहीं देखा था कि हमारे पास कोई कॉपी है या नहीं, या हमने कॉपी में काम किया है या नहीं। बस ऐसे माहौल में पलकर जवान होने वाले बच्चे कैसे होते हैं, मैं बिल्कुल वैसी ही थी। बड़ी हो गई और जितनी मेरी उम्र थी उससे कहीं ज़्यादा लंबी मेरी जुबान थी। मैं मम्मी पापा से भी बदतमीजी करने लग गई थी। मम्मी पापा की कोई बात ना सुनती और उन्हें धड़ाधड़ जवाब देती। मेरी इस आदत की वजह से माँ मुझ पर हाथ उठाती थी। मेरी छोटी बहन अवनी ये सब कुछ देखती थी, इसलिए उसने मेरी कोई भी आदत को नहीं अपनाया था, बल्कि जब भी माँ मुझ पर गुस्सा करती, मुझे मारती तो अवनी भागकर घर के सारे काम करने लग जाती थी ताकि माँ उसे कुछ ना कहे। इस तरह वह छोटी उम्र से घर के काम काज करने लग गई थी, जबकि वह स्कूल भी जाती थी लेकिन घर के काम भी बड़े शौक से कर लेती थी। इस वजह से माँ उसे पसंद करती थी, क्योंकि एक तो उसने कभी भी माँ से बदतमीजी नहीं की थी, दूसरा वह माँ के एक आवाज़ में दौड़ती हुई चली आती थी, जबकि मैं ढीठ की तरह बिस्तर पर लेटी रहती। मैं 8वीं पास करके स्कूल भी छोड़ दिया था। मम्मी पापा ने बड़ी कोशिश की और मुझे समझाया भी, लेकिन मेरा दिमाग तो ज़्यादा ही खराब हो चुका था। मैं किसी के बात को न मानती थी न समझती थी। मुझे तो बस शादी करने का शौक चढ़ा हुआ था। मैं 19 साल की हो गई थी। एक दिन मैंने कहा, अब क्या मुझे बूढ़ा करोगी,
मेरी शादी कर दो। ये सुनकर माँ ने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी और फिर मेरा रिश्ता देखने लग गई। हमारे जवान होने तक घर के हालात थोड़े ठीक हो गए थे, मगर पापा ने अब कबाड़ी का काम छोड़कर नौकरी करने लग गए थे। मेरे पापा की सैलरी अच्छी खासी थी, वे बिजली विभाग में प्राइवेट ठेके पर काम करते थे। घर में कुछ साल पहले ही बिजली लग गई थी और पापा ने अब घर को अच्छे से बनवा लिया था। मेरे पापा ने कर्जा लेकर ब्याज पर पैसे लेकर घर वगैरह बनवा लिए थे और इतने साल बीत जाने के बाद भी पापा अपना कर्जा उतारते रहते थे। ऐसे में वो मेरी शादी के लिए भला क्या कर सकते थे, और मुझे तो दहेज चाहिए था। मैंने साफ साफ माँ से कह दिया था कि मैं फर्नीचर भी लूँगी, मगर मुझे अपनी हर फरमाइश के पीछे सिर्फ माँ की गालियाँ ही मिलती थी। माँ मेरे लिए दो चार रिश्ते देख चुकी थी, मगर कहीं पर बात नहीं बनती नजर आ रही थी। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी जगह पर हो जहाँ ससुराल का झंझट ना हो, कोई लड़का अकेला ही रहता हो, या फिर छोटी सी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी बदतमीज़ बेटी की जुबान की वजह से सास नंदों वाले ससुराल में उसका गुजारा नहीं होगा। फिर पापा ने मेरे लिए कुणाल का रिश्ता स्वीकार कर लिया। कुणाल अपने माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ रहता था, किसी बड़े जनरल स्टोर पर नौकरी करता था। उनका घर अपना था, इस वजह से माँ को ये रिश्ता अच्छा लगा और मम्मी पापा ने मेरी झट मंगनी और पट ब्याह कर दी। बहाना अच्छा बनाया कि लड़के वालों को जल्दी थी, और जल्दी में हम भला कितना दहेज बना सकते थे। कुछ कपड़े और कुछ बर्तनों के साथ मुझे विदा कर दिया गया। मैं तो अपनी शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने तो सोच रखा था जहाँ मंगनी होगी उससे फ़ोन पर ढेरों बातें करूँगी, उससे गिफ्ट लिया करूँगी, कुछ इश्क मोहब्बत की बातें करूँगी, फिर कहीं जाकर शादी करूँगी और ढेर सारा दहेज लेकर जाऊँगी। मगर मेरी तो कभी भी कोई चाहत पूरी नहीं हुई थी, बल्कि सारे अरमान मेरे दिल के अंदर ही दम तोड़ गए थे। दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ भी मुझे अपनी मर्जी का कुछ नहीं मिला। बड़ी बहू होने के नाते मुझ पर सारी जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया। ना ही मुझे उन लोगों ने कोई जेवर चढ़ाया था। मेरी नंद मेरी बहन अवनी से छोटी थी और वह स्कूल में पढ़ती थी। सास तो अपनी बेटी को किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती थी, वह भी पढ़ाई का बहाना करके हर वक्त किताबें खोलकर बैठी रहती। घर के लोगों का और घर का सारा काम मुझ पर ही आ गया था, और मैं तो शुरू से ही कामचोर थी। अब तो मुझसे कभी रोटियां जलती, कभी सब्जियां जलती, कभी रोटी कच्ची रह जाती थी। बर्तन धोती तो कांच का बर्तन टूट जाता था, सफाई करती तो आधी करके छोड़ देती थी। शुरू शुरू में तो मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब मैं बार बार यही सब करती रही तो वह भी असली वाली सास बन गई थी। मगर मैं कहाँ किसी से बदलने वाली थी। मैंने सास का मुकाबला भी पूरी ताकत के साथ किया। अगर मुझे मेरी सास एक बात सुनाती तो मैं तो उसे दुगना सुना देती, जो दहेज से शुरू होकर घर में नौकरानी बनने तक आकर ख़त्म होते थे। मैंने तो अपने पति को भी नहीं बख्शा था। कभी मैं सूट की फरमाइश कर देती तो कभी कुछ खाने पीने की, मगर वह तो तनख्वाह पर काम करता था। सारा तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता था। मेरा तो इस घर में रहना मुश्किल हो चुका था। मैं किसी न किसी तरह वहाँ से जान छुड़वाना चाहती थी, इसलिए मैं तो अपनी भड़ास सब पर निकालती रहती थी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। कुणाल ने अपनी माँ के कहने पर मुझे डिवोर्स दे दिया और घर से निकाल दिया। शादी के सिर्फ 6 महीने के बाद ही मैं डिवोर्स का दाग लेकर अपने माँ बाप की दहलीज पर आ चुकी थी, लेकिन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, जबकि पापा तो मेरी डिवोर्स के बाद बिल्कुल चुप हो गए थे। मेरी डिवोर्स की वजह से मेरे माँ पापा अवनी भी परेशान थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैं तो डिवोर्स की बात हल्का फुल्का महसूस कर रही थी कि ऐसे ससुराल से मेरी जान छूट गई जो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते थे। माँ को भी मैं यही बताती थी, मगर माँ मेरी बात पर यकीन नहीं करती थी। मैंने माँ के घर आने के बाद दोबारा से वही सब करना शुरू कर दिया, मगर मैं उनकी बात मानती ही नहीं थी, बल्कि जानबूझकर मैं एक दिन बाहर चली गई थी। माँ ने अपना सर पीट लिया, कहने लगी, न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे तुम जैसी औलाद मिली। तो मैंने भी माँ के मुंह पर ही जवाब दे दिया कि अपने माँ बाप का दिल दुखाकर उनको बदनामी देकर पापा के साथ चली आई थी। इससे बड़ा पाप भला और क्या हो सकता है, मैं उसी की सजा बनकर तुम्हें मिली हूँ। ये सुनकर तो माँ पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी, मगर वह कुछ बोलने के काबिल ही नहीं थी। माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे हंसी आने लगी और मेरी छोटी बहन ने मुझे टोका, माँ के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं? मैंने उसे भी काफ़ी सारी बातें सुनाई और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद तो मैं एक आधा काम करना भी छोड़ दिया था। पापा तो मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, चुपचाप अपने काम पर चले जाते और वापस आते तो अवनी से ही बात करते थे। अब वो बूढ़े हो गए थे, उनसे ज़्यादा काम और मेहनत नहीं की जाती थी।
माँ कहती थी उससे अच्छा होता कि हमारी बेटी होने के बजाय बेटा हो जाता तो आज किसी काम भी आता। मैंने कहा, माँ आप परमिशन दो तो मैं बाहर निकलकर जॉब करना चाहती हूँ और मैं पापा का सहारा भी बन जाऊँगी। माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि वह भी अच्छी तरह से जानती थी मैं कोई काम नहीं कर सकती, ना ही मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। भला मुझे किसने नौकरी देनी थी, सिर्फ मैंने 8वीं पास किया था। मेरी छोटी बहन अवनी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, उसने मोहल्ले के प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी थी। अभी कुछ साल ही बीता था, मोहल्ले के बच्चे उसके पास ट्यूशन भी आने लगे थे। इस तरह वह घर के खर्चे में पापा का हाथ बटाने लगी थी। फिलहाल जो बेटी घर के काम करती थी और कमा कर भी लाती थी, वही मेरे माँ पापा को अच्छी लगती। मैं तो अब वैसे भी उन पर बोझ बन चुकी थी, लेकिन मैं उन पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने माँ से कहा कि मेरी दूसरी शादी करवा दो, मगर वे लोग अच्छे होने चाहिए, अपने जैसे कंगाल मत ढूंढ लेना। मेरी ऐसी बातें सुनकर माँ मेरा मुंह देखते ही रह जाती थी, क्योंकि अब कुछ कहने या करने का वक्त गुजर चुका था। फिर मैं रोजाना अपनी सहेली रवीना के पास उसके घर जाने लग गई। रवीना मोहल्ले में रहती थी और उसकी शादी भी पड़ोस में हुई थी, जो कि बराबर में ही था। मैं उससे मिलने जाती थी, दो दो तीन तीन घंटे उसके घर बिताकर आती थी। माँ मुझे मना करती थी, मगर मैं बाज नहीं आती, और पापा को तो मालूम ही नहीं था, क्योंकि जब वो काम पर चले जाते थे तो मैं उसके बाद ही जाया करती। और मम्मी ने जानबूझकर पापा को कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि माँ जानती थी अगर पापा को पता चल गया तो वे गुस्सा करेंगे, जिससे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मुझे बहुत हैरानी होती थी, क्या बुढ़ापे में आकर माँ को पापा का ख्याल हो गया था? सारी ज़िंदगी तो लड़ते हुए गुजारती थी, अब क्या फ़ायदा ऐसे ख्याल का? लेकिन मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो सिर्फ किसी अच्छी जगह पर शादी करने में दिलचस्पी थी। मैंने रवीना से मेल जोल इसी वजह से बढ़ाया था कि वो मुझे किसी रिश्तेदार के बारे में बता सके। फिर उसने ही मुझे सूरज से मिलवाया था, जो उसका दूर का रिश्तेदार था। उसके अपने कपड़े की दुकान थी और अच्छा खासा काम चल रहा था। सूरज पहले से शादीशुदा था, मगर उसकी पहली पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया था, और वह भी बेवकूफ़ मेरी खूबसूरती और जवानी पर मर मिटा था। फिर मेरे कहने पर ही उसने अपना रिश्ता मेरे लिए भिजवा दिया। माँ तो इस रिश्ते से मना करना चाहा, मगर मैंने पहले ही माँ को साफ साफ कह दिया था कि मैं हर हाल में ही सूरज से शादी करना चाहती हूँ। पापा भी मेरी बात सुन चुके थे, इसलिए अपनी इज्जत रखने के खातिर पापा ने सूरज के साथ मेरी शादी करवा दिया। सूरज ने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि मुझे अलग घर में रखेगा, मगर उसने पहले दिन ही अपना वादा तोड़ दिया था। मुझे ब्याह कर अपने उसी घर में ले गया, जहाँ पर उसकी माँ तीन बहनें पहली पत्नी रहती थी। सूरज के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मगर दो बड़े शादीशुदा भाई भी उसी घर में रहते थे। बहनें चारों कुंवारी थीं, जो मुझे परेशान करने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। असल खतरा तो सौतन की तरफ से था, लेकिन यह सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा था। मगर कुछ दिन के बाद ही मेरा अंदाज़ा हकीकत का रूप लिए मेरे सामने खड़ा हो गया था। मेरे ससुराल वालों को ये बात तो मालूम थी कि सूरज ने दूसरी शादी की है, और उन्होंने सिर्फ बच्चे की वजह से अपने जुबान पर ताला लगाया हुआ था, इसलिए सूरज ने डंके की चोट पर मुझे अपने घर ले गया था। मगर कुछ दिन में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे सास जेठानियाँ नंदे बहुत तेज़ थीं। मेरी सौतन तो बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, ज़्यादातर घर के कामों में ही बिजी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वह चोरी छुपे मेरी सास के कान भरती है, क्योंकि एक तो मेरी सास की चहेती बहू थी, इस वजह से उसे बड़ी पसंद थी, और फिर घर के काम भी वह संभाल रही थी। फिर मैंने कुछ सोचते हुए घर के काम काज करने शुरू कर दिए, ताकि सास के दिल में जगह बना सकूं, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम होने लगी। उन लोगों को ना तो मेरा खाना पसंद आता था और ना ही कोई काम, हर बात में कीड़े निकालना उनका काम था। पहले पहल तो चुप रही, लेकिन फिर भी सीधी होने की ठान ली। अगर कोई भी मुझे कुछ कहता तो मैं उसे डटकर जवाब देती थी, क्योंकि मुझे इस बात पर बड़ा घमंड था सूरज मेरे साथ है। जब शादी को 5 महीने बीत गए और बच्चे की कोई उम्मीद ना बनी, तो ससुराल वालों का रवैया थोड़ा बहुत अजीब हो गया। उस बीच अवनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, लड़का पढ़ा लिखा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ शादीशुदा बहन थी। माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अवनी के साथ साथ माँ पापा को भी अपने घर ले जाना चाहता था, और फिर उसने ऐसा ही किया। शादी के कुछ दिन के बाद ही वो मेरे माँ पापा को अपने साथ ले गया, पर मम्मी पापा ने अपने इस घर को किराए पर लगा दिया। मैं कभी कभी अपने मम्मी पापा से मिलने अवनी के घर जाया करती थी। उसका घर बड़ा था और फिर रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था।
वह तो बड़े आराम से वहाँ पर रहती थी और माँ पापा की भी जिंदगी बुढ़ापे में जाकर संवर गई थी। एक सिर्फ मैं ही थी जो ऐसे जालिम ससुराल के पल्ले पड़ गई थी। अगर सूरज मेरा साथ ना देता तो पता नहीं वहाँ मेरा गुजारा कैसे होता। मैं सूरज की वजह से अपने मनमानी करने में किसी हद तक कामयाब हो जाती थी और ख़रीदारी भी खूब करती थी। ख़ास तौर पर मैंने अपने लिए गहने बहुत सारे बनवा लिए थे। मेरे ससुराल वालों को तो वैसे भी मेरी हर बात पर ऐतराज़ रहता था, तो वह कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकते थे। फिर मेरी सास ने मुझ पर बोझ डालने के लिए घर के काम बांट दिए। रोजाना एक बहू घर का पूरा काम करती थी। जिस दिन मेरी बारी होती थी उस दिन कोई भी मेरी मदद नहीं करवाता था। मैं सारा दिन बड़ी मुश्किल से घर के काम करती थी, क्योंकि अगर मैं घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो बाकी तीनों बहुओं का ही राज वहां पर चलना था। ऐसे ही मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया था। मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी और वह खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मैं अब इस उम्मीद पर जिंदा थी कि जल्दी अपने ससुराल वालों को औलाद की खुशखबरी सुना दूंगी तो मेरी भी कुछ इज्जत और कदर हो जाएगी, क्योंकि सूरज ने इसी वजह से तो मुझसे शादी की थी। मगर वक्त बड़ा जालिम होता है। शादी को 3 साल बीत गए थे मगर औलाद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब तो सूरज ने भी अपना रवैया मेरे साथ बदल लिया था। माँ की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा भी करता था और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। दिल चाहता था कहीं भाग जाऊँ, इस जंजाल से मेरी जान छूट जाए, लेकिन अब मैं कहाँ जा सकती थी। अब तो मेरे माँ बाप को भी मेरा हाल चाल पूछने में कई कई दिन लग जाते थे। और फिर पापा के अचानक मृत्यु हो जाने के बाद मेरी उम्मीद का आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप सूरज के घर में ही अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूं। लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। लेकिन कयामत तो तब टूटी जब मेरी सौतन प्रेग्नेंट हो गई। फिर तो सूरज और मेरी सास का सारा ध्यान मेरी सौतन पर चला गया और वह भी जी भर कर नखरे दिखा रही थी। मैं जो बच्चे की वजह से इस घर में ब्याह कर आई थी अब अपनी सौतन की नौकरानी बनकर रह गई थी। सारा दिन घर के कामों में बीत जाता था, फिर रात को सास की सेवा में हाजिर होना पड़ता था। सूरज तो रोजाना मेरे कमरे में भी नहीं आते थे, लेकिन मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। दूसरी बार मेरी सौतन माँ बनने वाली थी और इस साल मेरी सौतन ने बेटे को जन्म देकर मेरी रही सही हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। मैं आज भी सूरज के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरी सौतन अब बड़ा घमंड में रहती है, क्योंकि अब वह एक बेटे की माँ थी और मेरी गोद अब तक खाली खाली थी। लेकिन मैं बहुत बदल गई थी। अब मुझे समझ आ गई थी, इंसान को ज़िंदगी में रुपया पैसा कदर नहीं करवाता, बल्कि उसकी असल पहचान, किरदार और उसके रिश्ते हैं। काश मैं वो सब ना करती जो मैंने किया था, अपने पहले पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही होती। अगर आपको आज की कहानी पसंद आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।